हेडलाइन के प्रायोजक हैं एशप्रा। 27 जून को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर होगा आगमन। 28 जून को मगहर में आयोजित पीएम की रैली सहित विविध कार्यक्रमों में होंगे शामिल। एक तरफा प्रेम में पागल आशिक ने किशोरी को कुएं में फेंका, खुद भी लगाई छलांग, दोनों सुरक्षित। पुलिस ने आशिक को जान से मारने के आरोप में गिरफ्तार कर भेजा जेल। रेल राज्य मंत्री राजेन गोदाई ने 24 जून को किया गोरखपुर का दौरा, बैठक कर रेल राजस्व में वृद्धि के लिए माल लदान को बढ़ाने पर दिया जोर। मुठभेड़ में सिकरीगंज पुलिस ने शातिर बदमाश को दबोचा, लूट के रूप में कट्टा कारतूस के साथ चोरी की बाइक को किया बरामद, एसपी साउथ ने किया खुलासा। उत्तर प्रदेश के वित्त विकास निगम के अध्यक्ष और राज्य मंत्री बाबूराम निषाद ने गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए कहा कि पिछली सरकारों ने पिछड़ा वर्ग विकास निगम के तहत आवंटित धनराशि की नहीं की वसूली, वसूली के बाद संबंधित पर की जाएगी कार्रवाई। 3 दिवसीय पुलिस समर कैंप का पीएससी 26वीं बटालियन में एसएसपी ने फीता काट कर किया शुभारंभ। चोरी के 17 मोबाइल सेट, चार्जर, बैटरी सहित चोरी की स्कूटी के साथ पीपीगंज पुलिस ने एक अभियुक्त को दबोचा, एसपी साउथ ने किया खुलासा। नौकरी का झांसा देकर नाबालिग से गैंगरेप का मामला संदिग्ध, पुलिस जांच में जुटी। अखिल भारतीय मानवाधिकार संघ द्वारा आयोजित मानवाधिकार जागरूकता अधिवेशन में समाज में उत्कृष्ट कार्य करने वाले हुए सम्मानित। महानगर यूथ कांग्रेस की बैठक हुई संपन्न, 26 जून को सरकार के खिलाफ विधानसभा घेरने की रणनीति पर किया गया मंथन। और ट्रैफिक कार्यालय पर लगाए गए निःशुल्क नेत्र शिविर में 150 लोगों ने किया नेत्र परीक्षण, दिया गया उचित परामर्श।